सो हमें मास चेंज करना है जो 3.5 टन है और वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो ये 3.5 टन को केजी में लेके आना है। सो मैं एक एक्सेल फाइल खोलूंगा। अब जो मास है ये यहाँ पे केजी में है, सॉरी यहाँ पे टन में है और यहाँ पे केजी। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे 3.5 टन, 3.5 टन। सो ये केजी में कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 3500 केजी आ गए। एंड ये जो वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में ले जाना। सो वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में लेके आओ कन्वर्शन के लिए। अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो भी आ जाता है, या फिर जो यूजुअल टेक्निक है। तो ये आ गया 16.67 मीटर पर सेकंड। अब इसको मुझे चेंज करना है। सो सबसे पहले तो मास को चेंज करूंगा मैं, मॉडल में जाऊंगा। मास को चेंज करने के लिए असेंबली है, यहाँ से असेंबली को एक्सपांड करो, इंजीनियरिंग फीचर्स को एक्सपांड करो, राइट क्लिक करो, एडिट करो, और 393 पहले केजी था, 3500 केजी, और वेलोसिटी को चेंज करना है। सो प्री डिफाइंड फील्ड में जाओ, इसको डबल क्लिक करो और ये 16.67 मीटर पर सेकंड। बस यही दो करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। मैंने मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज कर दिया है। अब मैं इसको कॉपी करके नाम दे देता हूँ थ्री पॉइंट 5 टन। यहाँ पे पॉइंट नहीं लेता है, सो मैं इसको अंडरस्कोर को पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ। 16 किलोमीटर पर आवर ये मैं लिख दे रहा हूँ ताकि पता चले कि ये वाला मॉडल। बस इसको रन कराओ, सबमिट करो, वेट फॉर द एनालिसिस टू बी कंप्लीटेड। ये रन हो रहा है, यहाँ पे आएगा कंप्लीटेड, एनालिसिस रन हो रहा है, ये कंप्लीटेड शो होगा। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। ये जो जॉब जो सबमिट किया था जो कंप्लीट हुआ, उस पर राइट क्लिक करो, रिजल्ट पे जाओ। डिफॉर्मेशन चेक करना है तो इस पर क्लिक करो, इसको थोड़ा कमा दो, ज्यादा डिफॉर्म हो गया है। इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही था, सो इसको 1 में करोगे तो ज्यादा आएगा, 0.01। स्केलिंग करते देख लो, अब रिजल्ट प्लॉट करना है। सो इसमें क्लिक करो, इसको एक्सपेंड करो। मुझे चाहिए रिएक्शन फोर्स, ये दोनों सेम ही वैल्यू है, तो दोनों में से कोई भी एक पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, राइट क्लिक, प्लॉट करो। जैसे प्लॉट करोगे एक्स वाई डाटा के नीचे ये आ जाएगा टेम, राइट क्लिक करो, एडिट करो। ये हो गया टाइम एक्सिस, ये लोड एक्सिस। सो अगर वैल्यूज ज्यादा बढ़ाने हैं तो सिंपल प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करना है, जो तुम्हारा इनर्शिया है और वेलोसिटी, ये तो चेंज करना ही है। यहाँ से जो मैंने बताया प्री डिफाइंड फील्ड में डबल क्लिक करो और चेंज करो। लेकिन अगर रिजल्ट चेक कर रहे हो, अगर राइट क्लिक करके रिजल्ट में जाके यहाँ पे अगर इसको डबल क्लिक करके चेक कर रहे हो, एंड ये डाटा यहाँ पे आएगा, ये मेरा लोड का डाटा, और इसको अगर चेक करो, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम लोड ये कुछ कितना आ रहा है, कुछ 1500 किलोमीटर आ रहा है। तो इसको बढ़ाना है तो क्या करना होगा, सिंपल प्रॉपर्टी में जाओ और ये जो सी है इसको एडिट करो,
यहाँ पे जाओ और इसको बढ़ाओ, इसको अभी अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ अराउंड लेट्स से 45, तो देखना वैल्यूज बढ़ जाएंगे। राइट क्लिक करो सबमिट, राइट क्लिक करो, रिजल्ट पे जाओ, इसको एक्सपांड करो और इधर से डबल क्लिक करो, देखो ये बढ़ गया, अभी ये 5,000 पे चला गया। मुझे इसको कम करना होगा, तो जितना भी चाहिए उस हिसाब से देख लो, बस प्रॉपर्टी में जाओ, इसको मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 40 रख के देखता हूँ कितना आता है। ऐसे ही ट्राई करके देख लो, जो भी चाहिए जितना भी चाहिए उस तक टाइप का आ जाएगा। अगेन आफ्टर रनिंग, एक बार रन होने के बाद फिर से चेक करो रिजल्ट, देखो कितना आया। ये अराउंड 3,000 कुछ आ रहा है, ये ठीक है। एडिट करके यहाँ पे अगर जाओगे तो ये अराउंड 2,900 कुछ आ रहा है, इसको कॉपी कर लो। इसका एक्स एक्सिस हो गया टाइम, वाई एक्सिस हो गया हमारा लोड, राइट क्लिक कॉपी, आज एक्सेल में पेस्ट कर लो। ये मेरा वैलिडेशन का रिजल्ट था, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया था। इसको अगर मैं सिलेक्ट डाटा करके ऐड करता हूँ, ये कुछ नहीं है, इसको ऐड करो, ये देखो इससे ज्यादा आया। यहाँ पे इंसर्ट कर देना, ये वैलिडेशन हो गया और इसमें आ गया मेरा मास 3.5 टन वेलोसिटी 60 किलोमीटर। तो ये दो डाटा, वैसे ही जो भी चाहिए जितना भी चाहिए मैनिपुलेट कर लो। अब डिस्प्लेसमेंट ये है मेरा, मुझे डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए रिजल्ट में जाओ, एक्स वाई डाटा पे डबल क्लिक करो, ये एक्स वाई डाटा पर डबल क्लिक करो, ओडीए फील्ड आउटपुट, इसको क्लिक करो, यहाँ पे जाओ सी पे राइट क्लिक करके रिप्लेस कर लो, एंड मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यू पे इसको एक्सपांड करके यू टू क्लिक करो और एडिट सिलेक्शन करके एक सेंटर का कोई भी एक नोड सिलेक्ट कर लो। ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे देंगे। ये मेरा डाटा हो गया, ये टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व। ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व हो गया। इसको ये जो नेगेटिव डाटा है इसको -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में कर लो, पेशन
ये हो गया तो है लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट।